हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और स्टॉक काफ़ी अच्छा है। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इस स्टॉक में हमें लगभग 1% का हमें गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करेंगे पिछले वन मंथ का रिटर्न का, तो यहाँ पे हमें जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है लगभग यहाँ पे हमें रफली 1.5% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिला है, जो कि उतना अच्छा हमें नहीं देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन पिछले 6 मंथ का बात करें इसका रिटर्न का, तो आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक ने लगभग 52% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है। लगभग 160% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे पिछले 5 ईयर का रिटर्न का, तो पिछले 5 ईयर का रिटर्न देखे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 600% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिला है। सॉरी, यहाँ पर लगभग रफली में 600% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे अगर इसका पिछले सबसे अधिक दिन को यहाँ पे चार्ट पैटर्न का, तो आप लोग देख सकते हो कि कितना जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक ने रिटर्न दिया। लगभग 4000 के आसपास में हमें रिटर्न देखने को मिला है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों परसेंटेज में है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें क्या इस स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक में हमें इस प्राइस में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक प्राइस लगभग 2450 के अप्रोक्स में अगर मैं आते हुए देखने को मिले, तो इस स्टॉक में हमें खरीदारी करके फॉर दी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा में देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो चलिए हम इस स्टॉक से कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे और इसका एक क्या स्टॉक हमें लगभग 3000 प्लस में देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस स्टॉक का कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे NSE की साइट पे अगर आज के दिनों का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लगभग आज के दिन लगभग 51% से अधिक हमें डिलीवरी देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक लगभग 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, जो कि पिछले साल जैन में दोस्तों। वहीं बात करेंगे इसका हाई का, तो स्टॉक हाई बनाया था लगभग 2760 के अप्रोक्स में, जो कि पिछले साल बनाया था दोस्तों। वहीं बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो हमें 2 रुपया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सितंबर क्वार्टर का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर हमें अच्छा खासा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा जंप दिखाया है जून क्वार्टर में। वहीं बात करेंगे डिविडेंड का, तो यहाँ पे 2020 में कंपनी ने लगभग यहाँ पे 3 बार डिविडेंड दिया था, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे क्या इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, वो भी एक बार डेटा देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग 30% से अधिक होल्डिंग इसमें प्रमोटर का है। क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर में प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, तब चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। तो चलिए इस स्टॉक से कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इस स्टॉक का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 12000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस अगर इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे भी हमें 2 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इसका सेक्टर का पी रेशियो का, तो यहाँ पे हमें 4.33 देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का पी रेशियो का, तो यहाँ पे इस सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में भी इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल सकता है। जिस तरीके का हमें डिलीवरी देखने को मिला, लगभग 51% से अधिक हमें डिलीवरी देखने को मिला है, और यहाँ पे पी रेशियो की बात करें, दोनों हमें लगभग हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल सकता है। तब चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। तो चलिए हम इस स्टॉक से कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते थे। यहाँ पर देखेंगे हम सितंबर क्वार्टर का नेट, यहाँ पे सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो डेटा हमें थोड़ा सा ओपन होने में समय लगा, क्योंकि जैसे कि हमें सेल्स यहाँ पे देखने को मिला अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर, सेल्स कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें
इसका रिजर्व फंड सरप्लस रिलेटेड एंड डेप्स रिलेटेड यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व फंड सरप्लस काफी अच्छा है, यहाँ पे मैं स्टार देना चाहूंगा। वही बात करेंगे यहाँ डेप्ट से, यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री हमें देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे अदर लाइबिलिटी लगभग ओनली 33 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी 150+ में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे फिक्स एसेट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हमें बहुत ही अच्छा खासा हमें चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, कोई हमें डेप्ट खास नहीं देखने को मिला है इसके ऊपर। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे FII की होल्डिंग कितना है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, यहाँ पे लगभग 31% अराउंड में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। 21% से अधिक हमें होल्डिंग FII की देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे DI की होल्डिंग की, तो यहाँ पे 20% से अधिक होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का, तो यहाँ पे 28% से अधिक का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे शेयर होल्डर का रिटर्न, तो चलिए हम इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का, तो जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों लगभग 2450 का हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो इस प्राइस को एक बार टच करने की कोशिश करेगा कंपनी। हालांकि यहाँ तक नहीं आएगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में इस स्टॉक में फिर से हमें रैली देखने को मिले और स्टॉक लगभग 3000+ में हमें देखने को मिल सकता है। तब चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसका डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी हमें लगभग 51% से अधिक हमें आज के दिन हमें देखने को मिला है। और इसी तरीके से हमें अगर आगे भी देखने को मिलेगा तो स्टॉक के प्राइस लगभग हमें 3000+ में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, लेकिन एक बार एंटर करने से पहले इस स्टॉक में एक बार खुद से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, देन आप लोग एंटर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।